तो हेलो गाइस, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई साहब, आज हम फिल्म बात करने वाले हैं बादशाह खान यानी कि शाहरुख खान, जो भाई साहब उनकी आने वाली फिल्म को लेकर भाई साहब जबरदस्त अपडेट हाथ में मिली है। तो भाई साहब, आप शाहरुख खान के बिगेस्ट फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और भाई साहब, पठान के रिलीजिंग डेट पे मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो भाई साहब, फाइनली इसमें बादशाह खान यानी कि रोमांस के किंग शाहरुख खान की भाई साहब इसमें भरपूर मसाला होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, जो एटली के साथ उनकी फिल्म होने वाली है, जो 15 दिन की शूट भी खत्म हो गई है पुणे में, तो भाई साहब उसी को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट को लेकर भाई साहब एक जबरदस्त हाथ में मिली है भाई साहब। तो इस जनवरी महीने में, तो भाई साहब आखिरी वीक में, जो लास्ट में 26 के बाद, तो भाई साहब इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने वाली है एटली के साथ मूवी करने की। जो मैं आपको बता दूं तो भाई साहब उसमें नयनतारा होने वाली है, तो भाई साहब और बादशाह खान रोमांस के किंग शाहरुख खान इसमें होने वाले हैं, वो भी एक नहीं भाई साहब डबल रोल में होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये सब हमको पता ही है, शाहरुख खान डबल रोल में होने वाले हैं। तो भाई साहब ऑफिशियली अनाउंसमेंट 26 जनवरी के बाद होने वाला है। तो बादशाह खान यानी कि शाहरुख खान के फैंस के लिए ये जबरदस्त मौका आप लोगों के लिए। तो भाई साहब और पठान को लेकर भाई साहब एक जबरदस्त हाथ में, उसकी रिलीजिंग डेट को लेकर भाई साहब जबरदस्त हाथ में एक अपडेट मिली हुई है। तो भाई साहब, पठान की रिलीजिंग डेट ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2 के बाद इसकी रिलीजिंग डेट फाइनल करेंगे भाई साहब। फाइनल यानी कि अक्टूबर 2 के बाद दिवाली में या फिर अक्टूबर में यानी कि गांधी जयंती के दिन ये फिल्म हमें दिख सकती है, सब कुछ नॉर्मल रहा तो। हाँ दोस्तों, उसके बाद टाइगर 3 का धमाका होगा। तो भाई साहब, टाइगर 3 को लेकर मैं एक और एक वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप शाहरुख खान के बिगेस्ट फैन हैं तो उस वीडियो को मिस मत करना, मैं लाने वाला हूँ। आज नहीं, मैं कल लाने वाला हूँ। तो भाई साहब, तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में आप शाहरुख खान के बिगेस्ट फैन से वीडियो को लाइक भी दे देना। अगर आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं तो न्यूज आपके लिए भरपूर मैं लाता रहूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आगे बढ़ने से पहले बॉलीवुड की तरफ से कहीं से कुछ भी अपडेट आते हैं तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम चलते हैं, जय हिंद।